नए राज्य में घुसते ही केजरीवाल ने मचा दिया गदर। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी पार्टी अगले साल अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन डॉक्टर संदीप पाठक ने रविवार को नई दिल्ली में इसका ऐलान किया। आपके अरुणाचल प्रदेश इकाई की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संदीप पाठक ने पार्टी संगठन को मजबूत करने का सुझाव दिया। उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए भी काम करते रहने की बात कही। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का आग्रह किया। आपकी अरुणाचल इकाई के महासचिव टोको निकम के अनुरोध का जवाब देते हुए आप नेता ने कहा कि पार्टी राज्य में एक रैली आयोजित करेगी। आपकी अरुणाचल इकाई के अध्यक्ष यमरा ताया ने राज्य की मौजूदा स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने पार्टी की प्रमुख नीतियों पर भी प्रकाश डाला। इसमें अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को निरस्त करना, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर लीक मुद्दे का समाधान, सभी को मुफ्त पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना शामिल है। दिल्ली की बात करें तो विधानसभा चुनाव से लेकर एमसीडी तक आम आदमी पार्टी सत्ता में है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो तस्वीर उलट नजर आती है। कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% और आम आदमी पार्टी का 18.2% रहा है। कांग्रेस 7 सीटों में से 5 पर दूसरे और 2 पर तीसरे स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे और 5 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिन सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही थी वो सीट उसके खाते में आई, जबकि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव और एमसीडी के परिणाम को लेकर खुद को मजबूत बता अधिक सीटों पर लड़ना चाहेगी। ऐसे में दोनों पार्टियां दिल्ली की सीटों को लेकर किस तरह किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।